अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हैं आपके बॉस? सर फारिस जी। जी वो अपने रूम में हैं। तुम? अचानक खैरियत है? बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा क्यों नहीं अपने दोस्त से मिलता चलो। अब आओ बैठते हैं। कॉफी? नहीं कॉफी नहीं, इनफैक्ट कॉफी के लिए तो मैं किसी के साथ जा रहा हूं। बस कर दे ये काम, जिस दिन आंटी को पता चला उन्हें बहुत दुख होगा। मॉम को बताएगा कौन? तू? मजाक कर, वैसे ऐसी हरकतें तो करीबी दोस्तों से एक्सपेक्ट की जाती हैं। इनफैक्ट तुम्हें आज ही की एक बात बताता हूँ, मेरी एक दोस्त है बहुत प्यारी है, शी सुपर क्यूट, इतनी प्यारी है वो कि मेरे जैसा आदमी 2 साल से उसके साथ है, मतलब मैं 2 महीने किसी के साथ नहीं टिकता और 2 साल हो गए मुझे। सारे प्लीज मुझे ऐसी बातें मत बताएगा। अरे पूरी बात तो सुन लो, इतनी पागल हुई वो मेरे पीछे, शादी करो शादी करो शादी करो, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं उसकी ये बेचैनियाँ इंजॉय कर रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था कि मुझे हर महीने याद दिलाती थी कि प्लीज मुझसे शादी कर लो सारे, लेकिन एक गड़बड़ हो गई यार। किसी शख्स ने उसे ये बता दिया कि मैं उसके साथ सिंसेयर नहीं। समझ तो गया होगा तू कि मैं किस बेगैरत शख्स की बात कर रहा हूं। तमीज से बात करो। अभी तक तो तमीज से ही बात कर रहा हूं मैं फारिस। अलिश्बा के लिए इतना वरिड होना समझ नहीं आ रहा मुझे, तू इतना चलाक निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था, और वो भी अपनी क्या बहनोई की बहन के लिए। तू जानता है वो मेरे बहनोई की बहन है। तेरी बहन की शादी पे आया था ना, उसको देख के वहां से चला गया था, और फिर भी तुझे शर्म नहीं आई कि तू उसे दूर रहे? शर्म किस बात की? और वैसे भी ये जो तुम्हारी गैरत इतनी जोश मार रही है, ये हमने कभी किसी के बहनोई की बहन के लिए तो होते हुए नहीं देखा। मैं चक्कर कोई और है। चक्कर जो भी हो तू उसे दूर रह। ओ माय गॉड, हाउ कैन आई बी सच अ फूल। अलिश्बा वही लड़की तो नहीं है जिसके पीछे तुम एक बार देखा पागल हो गए, नींदे उड़ गई? तेरे इस बात से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। पहले मेरा दोस्त मुझे इस लड़की के बारे में हर सीक्रेट बताता था कि यार आज रात मुझे नींद नहीं आई, मैं उसके बारे में सोचता रहा, 10 बार वो मेरे ख्वाब में आई, और अब एकदम से मुझे उसके बारे में गर्ज ना, तो मुझे बोलता मैं तुझे प्लेट में रख के गिफ्ट कर देता। वो मैं जितना बर्दाश्त कर रहा हूँ तू उतना हद से बढ़ रहा है। हद से मैं नहीं, हद से तुम बड़े हो फारिस। एक बार मुझे प्यार से बोला होता ना, मैं खुद बीच में से हट जाता, लेकिन अलिश्बा से मेरे बारे में बात करके तुमने इंसल्ट किया मेरी। आज से पहले कोई लड़की मुझे खुद से कभी छोड़ के नहीं गई फारिस। चलो ये भी ठीक है, मैं तुम्हें यहां वॉर्न करने आया हूं, तुमने मुझे बहुत इजी ले लिया था। ये जो हरकत तुमने की है ना, इसका खामियाजा तो होगा तुम्हें और अलिश्बा दोनों को भुगतना पड़ेगा।